सोलन से महज 22 किलोमीटर दूर बसा गांव, जो ब्रिजपुर नाम से जाना जाता है, जहां बहती नदी दूर से आने वाले पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनी रहती है। पर इसी नदी में पिछले कई वर्षों में कुछ लोगों की डूबकर मौत हो चुकी है। आए दिन कॉलेज के स्टूडेंट आते रहते हैं घूमने, लेकिन उनको ये पता नहीं होता कि साथ में पानी काफ़ी गहरा है और उस पानी में जाने से उनकी मौत भी हो सकती है। यहाँ पे हर साल मतलब 6, 7, 8, 9 मौतें होती रहती है। वो एक पर्टिकुलर ऐसी जगह है जहाँ पर एक भंवर है, जहाँ पानी घूमता रहता है, और जब बच्चे स्विमिंग करते हैं उस पर्टिकुलर जगह पे जाते हैं तो भंवर की तरफ खींचता है, और जब तक आदमी उसमें या तो मर ना जाए या फिर फंस जाए तो वो फिर घूमता ही रहता है। तो उस पर्टिकुलर जगह पे अब तक ना सिस्टम ने कुछ किया, ना सरकार ने कुछ किया। अगर वहाँ कोई साइन लगाए या किसी तरह का कोई स्टेप लिए तो शायद यही करता है, बंद हो जाए। यहाँ पर कोई नोटिस नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई भी बंदा बाहर से आके उसको पता चले कि यहाँ पे खतरा है या फिर यहाँ पे भंवर है। मुझे ये देखकर शर्म आती है कि सरकार की लापरवाही की वजह से अनजान लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। इतनी दुर्घटनाओं के बावजूद भी सरकार ने यहाँ सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं कर रखी है। जब यहाँ पे कोई डूबता है तो उसके दोस्त वगैरह चिल्लाते हैं, आसपास गाड़ियाँ रुकती है, गाड़ियाँ पुलिस वालों को फ़ोन करती है और कुछ लोग एम्बुलेंस वालों को फ़ोन करते हैं। लेकिन यहाँ पे पुलिस वालों को जब फ़ोन किया जाता है तो एक घंटे बाद पुलिस पहुँचती है, और वही हाल एम्बुलेंस वालों का है, एक डेढ़ घंटे बाद एम्बुलेंस पहुँचती है, तब तक उस डूबने वाले की यहाँ पे मौत हो जाती है। मैं चाहता हूँ सरकार इस तरफ ध्यान दे और सुरक्षा का कोई इंतजाम करे। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले से मैं अवधेश नेगी, इंडिया अनहर्ड के लिए।